डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर अपने ही बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने साधा जमकर निशाना। हरदोही में गोपा मऊ के भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार और अपनी पार्टी के नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर साधा निशाना। सोमवार को बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने अपने फेसबुक पर लिखा कि पिहानी से गोपा मऊ की सड़क आज तक नहीं बनी। बीते विधानसभा चुनाव के वक्त केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इस रोड की मंजूरी हो गई है, क्या वह मंजूरी फर्जी निकली? बीजेपी विधायक ने आगे लिखते हुए कहा कि गोपा मऊ विधानसभा में दर्जनों प्रमुख मार्ग टूटकर लगभग समाप्त हो गए हैं, जनता अत्यंत परेशान एवं आक्रोशित है। चुनाव के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा पिहानी से गोपा मऊ रोड की मंजूरी निकली फर्जी, कृपा जनहित में शासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी संज्ञान ले, मैं जनता के साथ हूँ। बीजेपी विधायक ने एक स्क्रीनशॉट भी अपनी इस पोस्ट के साथ शेयर किया है। उसमें उन्होंने पिहानी से बूढ़ा गांव, गोपा मऊ से सलिया, तड़ियाँ से धाधा मऊ, धधना मऊ आदि जर्जर मार्गों का जिक्र करते हुए लिखा है कि उक्त सड़कें टूटकर लगभग समाप्त हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश अक्सर फेसबुक पर चुटकुले पोस्ट करते रहते हैं। अन्य पशुओं से लेकर मनरेगा में कमीशन खोरी और अमृत सरोवर की खुदाई में लापरवाही पर भी सवाल उठा चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया है।